भाई साहब, एक फिल्म को हिट करने में जितना अहम रोल एक हीरो का होता है उतना तो नहीं कहूंगा, पर इससे थोड़ा बहुत कम रोल एक सपोर्टिंग एक्टर का भी होता है। सही बात है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये सपोर्टिंग एक्टर ही पूरी की पूरी फिल्म को खा जाते हैं और फिल्म को इन्हीं की वजह से देखा भी जाता है। कहने को तो फिर वो लीड एक्टर होते हैं लेकिन फिल्म में उनका काम पजामे में नाड़े डालना जितना भी नहीं रहता। समझ रहे हो ना। और मुझे लगता है कि यही हाल अक्षय कुमार का भी होने वाला है बच्चन पांडे में अरशद वारसी को लेकर। अब ये तो 18 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन किसको खाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फिल्मी बाजार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा बहुत ध्यान हम गरीबों पर भी दीजिए। खैर, मुद्दे पर आते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिस तरह पेट के लिए खाना जरूरी है, पजामे में नाड़ा जरूरी है, लॉकडाउन में मास्क लगाना जरूरी है, ठीक उसी तरह फिल्म हिट करने के लिए सपोर्टिंग एक्टर भी जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे फिर वो अपने पेटीकोट बाबा हो या अपने कच्चा बादाम वाले अंकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 ऐसे सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें टीचर से ज्यादा पढ़ाना आता है, पॉलिटिशियन से ज्यादा लड़ाना आता है और इमरान सर से ज्यादा लड़कियां पटाना आता है। नंबर 1, परेश रावल। ये हम सभी जानते हैं कि परेश रावल कितने टैलेंटेड एक्टर हैं। साल 2000 में बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी आई थी जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी लीड हीरो थे और परेश रावल ने इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका निभाई थी जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद भी किया था और आज भी उनके डायलॉग्स ऑडियंस के बीच पॉपुलर हैं। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। नंबर 2, विजय राज उर्फ पेटीकोट बाबा। 2004 में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन स्टारिंग फिल्म रन, इस फिल्म में विजय राज ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। ये फिल्म इतनी खास नहीं थी बट विजय राज की एक्टिंग तगड़ी थी और उन्हीं की वजह से इस फिल्म को ऑडियंस देखना पसंद करती है। ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन भी थे। गजब बेइज्जती है। नंबर 3, अरशद वारसी। मुन्ना भाई फिल्म में संजय दत्त ने लीड रोल और अरशद वारसी ने सर्किट के रूप में सपोर्टिंग रोल किया था। भले ही इस फिल्म के लीड हीरो संजय दत्त थे बट ऑडियंस ने संजय दत्त से ज्यादा अरशद वारसी के रोल को पसंद किया था और अभी भी करते हैं। इस रोल के लिए उनकी जमकर तारीफ भी हुई थी। ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर का है, फ्राइडे है भाई, स्टॉक लेके रखने का। फ्राइडे काई को? कोई आईडिया नहीं भाई। नंबर 4, राजपाल यादव। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म चुप चुप के, इस फिल्म में राजपाल यादव ने बांडिया के रोल को बड़ी ही खूबी से प्ले किया था। आज भी इस फिल्म को उनकी दमदार कॉमेडी के लिए लोग देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म में बांडिया का कैरेक्टर लीड एक्टर पर भारी पड़ा था। इस फिल्म के डायलॉग्स को आज भी ऑडियंस सुनना पसंद करती है। एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। नंबर 5, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वरुण धवन स्टारर बदलापुर में नवाजुद्दीन की उनके डायलॉग्स और नेगेटिव कैरेक्टर के लिए बहुत तारीफ हुई थी। इस फिल्म में उनका हर डायलॉग वरुण धवन पर भारी पड़ा था। नवाजुद्दीन को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था।